आमंत्रित सभी गणमान्य लोग, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठी, आज मैं नमन पांडे कक्षा 9 ब का छात्र आप सभी के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर कविता निवेदित करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है स्वच्छता। यदि इस कविता को सुनने के बाद आपको स्वच्छता के प्रति कुछ प्रेरणा मिले तो मेरा काव्य पाठ सफल होगा। तो अब मेरी कविता। यूं तो हमें कविता में वीरों की तलवार दिखानी है, सरहद पर भी सेना की हुंकार दिखानी है, आतंकों का भार भी हर बार भगाना है, देश के हर दुश्मन को ललकार भगाना है, पर ये कविता सुना रहा हूं, मंजिल मेरी एक है, भारत के सभी शत्रुओं में अस्वच्छता भी एक है, जो सरहद पर तो जा ना सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, दो पल वतन के आज नाम उनके करता हूं, जो सड़क नाले साफ करते हैं उन्हें सलाम करता हूं, यदि निकले सफाई करने संकल्प कड़ा माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा माने हम, निकल पड़ा था टांडी तक वापस वही उमंग चले, गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले, और भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम बढ़ाकर हम चले, आओ मिलकर कदम बढ़ाए, स्वच्छता पर ध्यान लगाए, साफ सफाई का रखोगे ध्यान तभी बनेगा भारत महान, तो नालियों की गोद से माँ गंगा के प्रभाव स्वच्छ भारत अभियान चले, उठा के झाड़ू हाथ में दिखला दे अब दुनिया को के भारत आशावादी है, हर दिल में तिरंगा और धड़कन में महात्मा गांधी है, यूं तो हम सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, और यह ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है, शेरों के जो दांत गिने रक्त में वही हिमाकत है, पर भरतवंशियों की हालत आज शर्म आती है बदलाने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में, तब मैं यह सोचता हूँ क्या यह दौर ऐसा कर लेगा, क्या सचमुच अपनी बाहों में वसुंधरा अंबर लेगा, अस्वच्छता एक मैत्री है तो राज तिलक क्या लगाएंगे, जो हाथ झाड़ू उठा ना सके वह संगीन कैसे चलाएंगे, अंत में मैं अपनी कविता को सिर्फ इन पंक्तियों द्वारा निवेदित करना चाहता हूँ कि सरहद सैनिक बचा लेंगे बैठे वतन की साधना में, हम भी तो कुछ अर्पण कर दे भारत माँ की आराधना में, एक भीष्म प्रतिज्ञा हर जन भारत का ले ले, अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले, तो युद्ध का ऐलान अब गंदगी के खिलाफ हो, मांग इस देश की जनता से है कि देश का कचरा साफ हो, धन्यवाद।